तो अब हमें यहाँ पर जो फॉर लूप के बारे में डिस्कस करना है, पहले तो हम इस एग्जांपल को नाइनटीन नंबर के नाम से सेव कर देते हैं। देखो, हमने सब यहाँ से हटा दिया और पाइथन का जो फॉर लूप है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने कहा फॉर, एक वेरिएबल लिया आपने आई, इनका आपने यूज़ करा, आपने रेंज नाम के प्री डिफाइंड मेथड का यूज़ किया और इसके अंदर कितना पास कर दिया, सपोज आपने 10। सेम सिंटेक्स कॉलन का आपको यूज़ करना है और प्रिंट आपने यहाँ पर क्या करवा दिया, आई को। तो ये जो है ना लूप, पॉइंट ध्यान से समझना कि इस कंडीशन पर ये जो आपका लूप है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से, और कहाँ तक आपने 10 तक, तो 10 से एक कम तक, तो मतलब कि ज़ीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक एग्जीक्यूट होने वाला है आपने 10 पुट किया है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो से, इसलिए 10 टाइम्स क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एग्जाम्पल को यदि आप यहाँ पर रन करते हो तो इस कंडीशन पर यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल का आउटपुट 0 से लेकर 9 तक बिल्कुल आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है। तो हमने इसे यहाँ पर रन करा तो 0 से लेकर 9 तक बिल्कुल आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। इतना एग्जाम्पल सभी को क्लियर है, तो सभी इस एग्जाम्पल को ध्यान से नोट करिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 20 के नाम से हमने इसको सेव किया है और हमने क्या करा यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज आपने यहाँ पर सेट कर दिया 11। तो अभी से कंडीशन पर बाई डिफ़ॉल्ट हमने क्या कहा था कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा और एक कम तक, तो यहाँ पर ज़ीरो से लेकर 10 तक आउटपुट आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर ज़ीरो से लेकर 10 तक आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें 1 से लेकर 10 तक आउटपुट क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। इस कंडीशन पर आपको क्या करना है, पहला पैरामीटर आपने पास कर दिया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से, और इससे एक लेस देन तक, मतलब कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल यहाँ पर नंबर्स आकर डिस्प्ले होने वाले हैं। एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर रन करा तो 1 से लेकर 10 तक हमारा आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। यदि हम चाहते हैं सपोज कि हमें जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना है 5 से लेकर 20 तक, तो हमने कितना पुट कर दिया, 21। तो अब क्या होगा, 5 से लेकर 21 तक आउटपुट आकर डिस्प्ले होगा या फिर 20 तक होगा, बिल्कुल 20 तक ही होगा क्योंकि एक लेस देन तक चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 20 को हमने जैसे यहाँ पर रन करा तो 5 से लेकर 20 तक यहाँ पर आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। तो कंसेप्ट अभी सभी को समझ आ रहा होगा कि ये जो दो पैरामीटर हमने पास किए हुए हैं इनका यहाँ पर वर्किंग क्या होता है। इस एग्जाम्पल को भी बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा। यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर सेव करा 21 नंबर के नाम से। अच्छा, ये तो पता है ना, ये हैज से कमेंट होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, हमने लिखा हुआ इसीलिए ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमने सेट कर दिया है 5, ठीक है। अब इससे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। और अब हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा फॉर आई रेंज हमने यहाँ पर सेट करा कि भाई 1 से लेकर आपको 15 तक, ठीक है, नंबर से यहाँ पर क्या करवाने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं। एग्जांपल नंबर 21 को हमने यहाँ पर रन करा तो 1 से लेकर 15 तक नंबर्स आकर क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। अच्छा, हमने क्या करा कि यहाँ पर पास कर दिया 2, एक और पैरामीटर। देखो ये क्या है, 1 से लेकर 15 तक होगा, लेकिन 2 के गैप से, मतलब 1 3 5 7 9, तो 2 2 के गैप से नंबर्स आकर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे यहाँ पर। अच्छा, हमने एग्जांपल को क्या करा, यहाँ पर रन कर दिया, तो अभी इस कंडीशन पर देखो 1 3 5 7 9,
11, 13, 15 आउटपुट आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपने यहाँ पर कर दिया होता ना 4, तो 1 के बाद प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 के बाद प्लस 4 कितना हो गया 9, और 9 के बाद प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ आउटपुट आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है। तो एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर क्या करा, रन करा, तो यहाँ पर 1, 5, 9 और 13 आकर डिस्प्ले हो गया। तो ये तीनों अलग अलग केसेस आपको क्लियर हैं, तो मैन यहाँ पर यही तीनों केस हैं, तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या है। हाँ जी, यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल नंबर 22 के नाम से पहले तो हमने इसे सेव किया, और हम कुछ यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए 10, और हमें करना क्या है कि यहाँ प्लस 4 लिखा था तो इंक्रीमेंट हो रहा था, हमने माइनस 1 कर दिया, तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा कितने से, 1 से। और हमें कहाँ तक ले जाना है, 1 तक, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 0। पूरा क्लियर है? तो अभी इस एग्जांपल को यदि हम यहाँ पर रन करते हैं, तो हमारे 22 नंबर के इस प्रोग्राम का आउटपुट 10 से लेकर 1 तक नंबर्स आकर क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 22 को हमने यहाँ पर रन किया, तो बिल्कुल 10 से लेकर 1 तक नंबर्स आकर यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि आपको इंक्रीमेंट करना है तो कैसे करना है, और यदि आपको यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है तो कैसे करना है। और यदि सपोज़ आपने यहाँ पर लिख दिया होता -3, तो इससे कंडीशन पर आउटपुट निकालिएगा कितना आकर डिस्प्ले होगा। हाँ जी, तो सभी ने अभी इस एग्जाम्पल का आउटपुट निकाला, बिल्कुल करेक्ट ही आउटपुट है 10। फिर 10 में से 3 कम होगा तो कितना होगा 7, 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 4, और 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 1। तो बिल्कुल यही आउटपुट यहाँ पर आकर डिस्प्ले होगा, 10, 7, 4 और 1। एग्जांपल को हमने रन कर दिया, तो 10, 7, 4 और 1 आउटपुट आकर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 23 है, और एग्जाम्पल नंबर 23 पर हमने क्या करा कि एक वेरिएबल लिया एस इक्वल टू 0, 1 से स्टार्ट करा, 5 तक ले जाना है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता ही है। हमने यहाँ पर लिख दिया एस इक्वल टू एस प्लस आई, और यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, डबल कोट में एस इक्वल टू कॉमा एस को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो अभी इससे कंडीशन पर एग्जांपल नंबर 23 का आउटपुट कितना आकर डिस्प्ले होगा सभी को निकालना है, सभी आउटपुट निकालेंगे। यदि आप रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं ना कंटिन्यू, व्हाइल लूप में सेम एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है, तो बिल्कुल बनना ही चाहिए यहाँ पर इस एग्जांपल का आउटपुट।